सागर मछली और पानी से कौन परिचित नहीं है? परिचित नहीं है तो बस मछुआरों से परिचित नहीं है, जिन्होंने सागर और मछलियों को ही सब कुछ मान लिया है। कभी कभी हालात और मजबूरी भी जीवन की दिशा बदल देती है। मछुआरों का जीवन सागर पानी और मछली के सिवा है ही क्या? चलिए हम आपको ले चलते हैं उड़ीसा राज्य के बालेश्वर जिले के बड़रामगढ़ी मुहाना की ओर। बालेश्वर से पूर्व की दिशा में 16 किलोमीटर जाने पर आता है चांदीपुर समुद्र तट। उसके 2 किलोमीटर आगे बड़रामगढ़ी मुहाना, जहां बूढ़ा बलंग नदी आकर बंगोपसागर में समा गई है। मुहाना के दोनों तरफ 2 गांव, मिर्जापुर और परखी। 3,000 आबादी के साथ मिर्जापुर बसा हुआ है तो 12,000 आबादी के साथ परखी। पारादीपुर कते वर्ष है आप आसिक 25 वर्ष 25 वर्ष समुद्र भितर को जाते मछनी मार जाल सिलई कर आज्ञा कि स्टेरिंग धरवा कि रोप छाड़ बोट चल प्लस टू कम्प्लीट कर देखिले आणिक आठ लक्ष्य रही कले तर बातराम देखिली कंचा पैसा आज्ञा तो मैंने यू जी जहाँ उपार्जन कर असुविधा रहुची। 15,000 लोगों की रोजी रोटी का जरिया है बड़रामगढ़ी मुहाना। जीवन भी यही है और सपना भी, प्यार भी यही है और परवरदिगार भी यही, यही आदत है और इबादत भी यही है। सूरज के उगने से पहले से लेकर चांद के डूबने के बाद तक निरंतर चलता रहता है जीवन जीविका का खेल। इनका क्या नाम बताए? मेरा नाम मनन है। अच्छा मनन, मतलब यही है कि रोज सुबह शाम मतलब वही पानी के साथ रिश्ता है। यहाँ पे जो भी है सुबह हुआ कि नहीं इधर आ जाओ, पानी से ताल्लुकात है हम लोग, और किसी से नहीं। पोट है तो हम लोग है, पानी है तो हम लोग है। पानी से लड़ाई भी करते कभी कभी, जब इधर पानी भर्ती हो जाता है तो इधर भी आ जाते हैं गाड़ी लेकर, गाड़ी डूब जाता है, चलो पेट के लिए करने पड़ता है, इसी तरह से चलता है। किसी किसी से लगा है जाति धर्म रंग नस्ल कोई भेद नहीं, सबकी एक ही पहचान है मछुआरा। इन मछुआरों की हथेलियों को सागर कभी मोतियों से भर देता है तो कभी मौत से। लहरों के साथ सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, नए चेहरे पुराने चेहरों की जगह ले लेते हैं, कोई कट जाता है तो कोई शामिल हो जाता है, कोई फिर आ जाता है लहरों की चपेट में। कौन रखता है इसका हिसाब, किसे फुर्सत है? जो गया साल जो ये गया यस गया तो से थोड़ा हमारे यहाँ पे पानी नीचा था, बाकी नहीं तो पानी नहीं। अच्छा वो थोड़ा नीचा है, वो थोड़ा नीचा है, वो हर साल डूब जाता है। अच्छा अच्छा, तो पार्की से ये मिर्जापुर बेहतर है जी। अच्छा रोज का 400-500 हो जाता है। 400-500 रही ठीक से पैसा पाइप गोटे बोट रे जाइली 12-14 दिन फिशिंग कर 14 पैसा भी एपर्त पाइली कहल मालिक को ड्राइवर को ड्राइवर लुचिक बुलू पैसा पाइप हईरा हो विदेश खाइते भी पाऊन उपास दिन 3 दिन एम असुविधा हो। सागर की लहरों पर लिखा होता है उनका भाग्य और जालों में बंधे होते हैं सपने। चाहे वो फिशिंग बोट चलाने वाला पायलट हो या जालों की मरम्मत करने वाला शंकर, ट्रली में मछली और बर्फ ढोने वाला
मैनुद्दीन उर्फ मोना हो या फिर हो अफजल मल्लिक। लेकिन तकदीर भी क्या खेल खेलता है। सपना तो है कि बच्चों को बड़ा कॉलेज में एडमिशन दें, अच्छी पढ़ाई करें, वो इनकम के ऊपर होता नहीं। हाँ। जैसे रनिंग के ऊपर बच्चे अगर नौकरी करने लगे तो ये ट्रली का धंधा तो फिर खत्म हो जाएगा। बंद करना नहीं चाहते हैं क्योंकि नौकरी कहाँ मिलेगा, यहाँ हम लोग के लिए कोई नौकरी नहीं है। कहाँ से पढ़ाऊँ, इतना बजट हो तो अपना पढ़ाएं बच्चों को, 400-500 इनकम करके बच्चों को अच्छा दाखिला दे सकते हैं, अच्छा कॉलेज में नहीं हो सकता। ऐसे चलते चलते चांदीपुर के पूर्व सरपंच तपन जेना से भेंट हो जाती है। परखिया और मिर्जापुर भीतर पोल निर्माण योजना की आज्ञा मंत्री मैंने आसने मंत्री प्रतिश्रुति देखते कि आमर नदी पोल हम आमर हजार 2000 लोक पास कर कहते हैं मिर्जापुर और परखी को जोड़ने के लिए एक पुल बनाए जाने की योजना है। दोनों गांव जुड़ जाएंगे तो रिश्ते भी जुड़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन शिल्प का विकास होगा। 12वीं तक तो कंपलसरी पढ़ाना है ना, इनकम पता नहीं है, इनकम हो तब ना बच्चे सबको सुबह से पढ़ाई का और गवर्नमेंट का जो मिले वो हम लोग को मिलते नहीं, क्यों ना ये तो आनाबादी जगह है, कभी भी सरकार बोलेगा उठने के लिए उठ के भागना पड़ेगा। दुखी होते हैं इसी बात के लिए कि बच्चे सबको अच्छा शिक्षा दे नहीं पाते हम लोग, और बकायदा इसमें इस जगह के हम लोग पावती काटते हैं वर्षों सालों साल देते हैं, गवर्नमेंट से कुछ हम लोग को अपना मिलते नहीं, बस जो चावल मिलता है सरकार जो देते हैं बस उसी में गुजारा कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अब मुहाना की मोहिनी माया मछुआरों को अपनी ओर खींच नहीं पा रही है। आंधी तूफान बाढ़ तथा सामुद्रिक हादसों से कहां तक लड़ेंगे ये लोग, कहां तक जिएंगे मरेंगे। तो हवा की रुख बदलने लगी है, सोच बदलने लगी है। बच्चे पढ़ेंगे, देश की मुख्य धारा में शामिल होंगे, जाल और नाव नहीं, सागर और मछली नहीं, कुछ अलग कुछ नया। अपने भाग्य को अब लहरों पर नहीं कागज पर लिखेंगे। लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या कल का सूरज मोहाना का कोलाहल नहीं बल्कि स्कूल जाते बच्चों की मुस्कानों के साथ उदित होगा। अरे बाबा ठीक ठीक है, कोल्ड फायर सिनेमा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है आज कर लेना लेकिन सब्सक्राइब। हम लोग यूट्यूब चैनल लगा, अभी यूट्यूब चैनल लगा, हम यूट्यूब पे लगे सभी तो।